अब तक हमें जो सफलता कोविड मैनेजमेंट के स्प्रेड को मैनेज करने में मिली है, उसको हमें फर्दर कंसोलिडेट करना है। इसके तहत देश के हर जिले उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि कोई केसेस नहीं आए हैं उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहाँ पर या तो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहाँ पर कम है। आज उसी संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज, DGPs, हेल्थ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें हमने मुख्यतः उन्हें हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल बताते हुए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज फील्ड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें लार्ज कंटेनमेंट आउटब्रेक स्ट्रैटेजीज, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताया है। उस स्ट्रैटेजी के संबंध में कैसे कंटेनमेंट जोन, कैसे बफर जोन को डिलीनेट करना है उसके बारे में बताया गया। कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से प्रॉपर पैरामीटर मैपिंग, क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिफाइन किए जाएं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वहाँ पर जो हमारी कंटेनमेंट जोन होगी एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, बाकी कोई भी मूवमेंट और एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी, वहाँ पर सैम्पलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहाँ पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उनको ओरिएंट किया जाएगा, और वहाँ पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रम जो उस टाइप के ब्रेथलेसनेस रिलेटेड केसेज होंगे उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। हमारी तैयार की गई ये स्पेशल टीम्स जो कि कंटेनमेंट जोन में काम करेंगी वे सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगी और साथ ही हाउस टू हाउस विजिट भी करेंगी। इस टीम्स में हेल्थ स्टाफ के अलावा लोकल रेवेन्यू स्टाफ, लोकल कॉरपोरेशन स्टाफ और साथ ही जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जैसे कि रेड क्रॉस, NSS, नेहरू युवा केंद्र, उन सब वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाउस टू हाउस सर्वे के द्वारा हम उस केस में, उस एरिया में जिसमें भी सर्वे होगा कंटेमिनेट एरिया में, उसमें फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए उन पर एज पर प्रोटोकॉल एक्शन लेंगे। साथ ही डेली इवनिंग जो भी डेटा फील्ड सर्वे के हिसाब से आएगा उसको जिला स्थाई पर आइडेंटिफाई करते हुए फोकस एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस कार्य में हेल्थ स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ के अलावा जिला स्तर पर कभी काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को ओरिएंट किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एज आई मेंशनड अर्लियर, हमारा रिस्पॉन्स कोविड के संबंध में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है। इसके साथ ही जिलों को बताया गया है कि वे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाएं, माइल्ड केसेस के लिए कोविड केयर सेंटर्स, सीवियर केसेस के लिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स, और क्रिटिकल केसेस जहां पर वेंटिलेटरी सपोर्ट भी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। हमने उनको स्पेशली क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस के बारे में फोकस करने के लिए कहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट। हमने उनसे कहा है कि एम्स की जो कॉल सेंटर को हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट एज पर प्रोटोकॉल हो और पूरा यत्न किया जाए कि कोई भी पेशेंट, कोई भी केस हमारा फेटेलिटी में कन्वर्ट ना हो। हर केस को जिला स्तर पर, सीनियर स्थाई पर डे टू डे क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए। सर, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने अपने सारे जितने भी जिले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आज हमने जो स्टेट्स को लिखा है उसके हिसाब से हमने उनको बताया कि जहां पर भी मुख्यतः केसेज आए हैं, जो भी केसेज हमारे मतलब जिस जिलों से ज़्यादा आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट के अंदर
उसके तहत डिक्लेयर किए जाएंगे, उसके तहत वहाँ पर कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन किया जाएगा। उसमें करीब जो अभी कल तक का डिटेल्स हैं ये आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170, और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए, वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहाँ पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहाँ पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए, जिला लेवल पर स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी कहा है कि जो ये हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं इसके अलावा, बिकॉज स्टेट्स इस बैटल को फील्ड पर लड़ रही हैं, इसके अलावा एडिशनल एरिया वो अगर कोई हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर करना चाहें, एडिशनल मेजर्स लेना चाहें तो वो ले सकती हैं।